अगली राजनीतिक विचारधारा कहलाती है गणतंत्र। गणतंत्र का क्या तात्पर्य है? यूपी कांस्टेबल के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था गणतंत्र किसे कहते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पर फिर दोहरा देता हूँ। जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उसको गणतंत्र कहते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। नेपाल में 2008 तक राजशाही थी, वहाँ एक शाह परिवार था जिसका शासन था, वहाँ की जनता प्रधानमंत्री और अपने दूसरे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती थी, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पैदाइशी मुखिया होता था। 2008 में नेपाल में राजशाही का खात्मा हुआ और उसके बाद से वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसलिए नेपाल जो है 2008 में बना गणतंत्र या रिपब्लिक। ये पॉइंट हो गया। तो गणतंत्र का जनता के द्वारा चुना गया तंत्र गणतंत्र, या फिर राष्ट्राध्यक्ष का जहां पर चुनाव होता है उसको गणतंत्र कहते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है राजतंत्र। राजतंत्र जिसको कहा जाता है मोनार्की। अगर हम बात करें अरब देशों की, तो आप पाओगे जितने भी अरब देश हैं उनमें 99.9% जो देश हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यानी कि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर पैदाइशी मुखिया बनता है। जितने बड़े पदाधिकारी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो सारे परिवार के ही सदस्य हैं। जैसे सऊदी अरब के अंदर जो वहाँ का प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसका छोटा भाई जो है सऊदी अरब का रक्षा मंत्री है। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ राष्ट्र के मुखिया बनते हैं पैदाइशी, उसको कहते हैं राजतंत्र या राजशाही, और इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की। और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर लोकतंत्र भी है और राजशाही भी है। देखिए, राजशाही प्लस लोकतंत्र, ऐसे कौन से देश हैं अगर इन दोनों को जोड़ दें? तो एग्जांपल लीजिए आप ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर बोरिस जॉनसन जो है प्रधानमंत्री है, और इन दिनों जब ये कोविड की बात चल रही है कि कोविड फैल रहा है, तो हमने ये देखा कि जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको ये कोरोना हो गया था विषाणु, उनमें से एक कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो इससे संक्रमित पाए गए और बाद में सौभाग्य से वो ठीक भी हो गए। लेकिन वहाँ पर मुखिया कौन है? वहाँ पर मुखिया है महारानी। तो यानी कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री समेत सरकार का चुनाव तो वहाँ के आम जनता मतदान के द्वारा करती है, इनका इलेक्शन होता है, वहाँ के लोग वोट करते हैं, लेकिन जो महारानी है वहाँ पर उसके परिवार की पैदाइशी वंशागुनत राष्ट्र की मुखिया है। तो इसीलिए ब्रिटेन कैसा हो गया? ब्रिटेन हो गया लोकतांत्रिक राजशाही, यानी कि डेमोक्रेटिक मोनार्की कहलाते हैं। ऐसे ही जापान, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं, लेकिन वहाँ का मुखिया कौन है? वहाँ का सम्राट, जापान का सम्राट। तो ऐसे आज भी बहुत सारे देश हैं, नॉर्वे, स्पेन, जिनको आज हम पश्चिमी देश कहते हैं और जिनको मानवाधिकार का अग्रणी देश माना जाता है, उनमें बहुत सारे देश हैं, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, जिनमें अभी भी लोकतांत्रिक राजशाही है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। इसके बाद एक पॉइंट दे दिया अधिकार क्षेत्र। ये एक क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम में आया, वो मैं बताता हूँ। अधिकार क्षेत्र को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। अब ये बड़ा एक रुचिकर शब्द है जिसको अभी हम भारत के संदर्भ में और एसएससी के क्वेश्चन के संदर्भ में समझते हैं। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को भारत में प्रधानमंत्री तो थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन भारत का मुखिया कौन था, राष्ट्राध्यक्ष कौन था? गवर्नर जनरल, जो कि था माउंट बेटन। देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन भारत की कौन सा दर्जा मिला था? जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी तो भारत को यह दर्जा मिला था जिसे कहते हैं अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र का मतलब ये हो गया वह देश जिसके राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति महारानी करती हो और वहाँ की जनता केवल अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती हो, ऐसे देश को कहा जाता अधिकार क्षेत्र। तो इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता इस दर्जे के साथ दी गई, इसीलिए अंग्रेज मुखिया बना रहा। 26 जनवरी 1950 को
देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पदभार संभाला, तब हमने अधिकार क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर दिया। और आज अगस्त 2020 के अंदर भी क्या है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें अभी भी अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तीन प्रमुख देश ऐसे हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के नाम से जो क्रिकेट टीम आती है उसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे जमैका है, बारबाडोस है, ये सारे के सारे आज भी क्या कहलाते हैं, ये आज भी अधिकार क्षेत्र के दर्जा प्राप्त व्यक्ति कहलाते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के मुखिया के नाम आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा गवर्नर जनरल है, न्यूजीलैंड के मुखिया का नाम पढ़ेंगे तो गवर्नर जनरल है, हालांकि प्रधानमंत्री ही, क्योंकि संसदीय प्रकार की प्रणाली है तो सारे अधिकार किसके पास है, प्रधानमंत्री के। इसीलिए चर्चाओं में कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद दे दिया सर्वसत्तावाद, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में सवाल आया, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट किसको कहते हैं, और चार विकल्प देकर पूछा गया कि कौन सी व्यवस्था सर्वसत्तावाद या ऑथोरिटेरियन कहलाती है। देखिए, हिटलर ने जर्मनी पे शासन किया और उसी की नीतियों के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में। ऐसे ही यूरोप का एक देश है इटली, वहाँ पर मुसोलिनी नाम का व्यक्ति आया। इन दोनों ही व्यक्तियों ने, हिटलर ने एक पार्टी बनाई जिसको कहते हैं नाजी पार्टी, राजनीतिक दल था, और मुसोलिनी ने एक पार्टी बनाई फासिस्ट पार्टी, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो कोई भी इनका विरोध करता था उसको ये मार देते थे। तो वहाँ पर ये प्रचारित किया गया कि जो पार्टी के प्रति स्वामी भक्ति रखेगा वो देशभक्त है। तो एक प्रकार से एक पार्टी ने अपना प्रभुत्व स्थापित करा और उस पार्टी का जो मुखिया था अंततः वही स्वामी भक्ति का प्रेरणादायक स्रोत बन गया। ऐसे देश जो इस तरीके की भावनाएं भड़काकर लोगों को अपने अधिकार में करते हैं ऐसे को कहते हैं सर्वसत्तावादी, ऑथोरिटेरियन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वसत्तावादी या ऑथोरिटेरियन। इसके बाद लास्ट में दे रखा है एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही, कोई बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, जहां एक व्यक्ति का शासन हो उसे कहते हैं तानाशाही। जैसे यहाँ उत्तर कोरिया में है किम जोंग उन जो है वहाँ का तानाशाह है, तो ऐसी व्यवस्था जहाँ एक ही व्यक्ति पे सत्ता का सारा अधिकार हो उसी को कहा जाता है डिक्टेटरशिप या तानाशाह। तो ये चैप्टर जो है आपका जिसको कहते हैं विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया पेज नंबर 17 में। अब अगला जो टॉपिक है वो आ गया संसद के बारे में, संसद से जुड़े हुए क्या क्या सवाल परीक्षाओं में आते हैं उनकी जरा मैं चर्चा कर देता हूँ। एसएससी के एग्जाम में सवाल आया कि भारत में जो संसद है क्या वो सार्वभौमिक है, मतलब क्या हमारी पार्लियामेंट सॉवरन है, आंसर दूंगा मैं अभी। दूसरा सवाल यूपीएसआई 2019 के एग्जाम में आया, उसमें दो विकल्प दिए गए और पूछा गया कौन से विकल्प इनमें सही है, क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। उसमें कहा कि भारत की जो संसद का कानून है वो भारतीय ऊपर चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो सबके ऊपर एक समान लागू होता है, वह भी चर्चा पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आ गया यूपीपीसीएस, राजस्थान कांस्टेबल के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में, और पूछा गया संसद का निम्न में से कौन सा अभिन्न अंग है, तो उसमें विकल्प दिया राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और चौथा और विकल्प था। तो ये तीनों के तीनों जो है इसके अभिन्न अंग कहलाते हैं। इसके अलावा एक सवाल एसएससी में आया कि भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता बताओ क्या है, यानी कि जो हमें बाकी देशों से अलग करती है। तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है संसदीय प्रणाली का, हालांकि हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वहाँ राष्ट्रपति नहीं, वहाँ कौन है, वहाँ पर महारानी है। तो भारत की और महारानी संसद का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ का, यानी कि सी इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया में क्या है, इंडिया में यह है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो संसद का अभिन्न अंग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहीं से बिंदु शुरू करते हैं। शुरुआत में मैंने सबसे ऊपर ये पॉइंट दे रखा है डायग्राम के ऊपर कि हमारे यहाँ पर जो है ये संसद का अर्थ क्या हो गया, तो उसे समझाया गया है संसद के अंतर्गत आता है सदन और राष्ट्रपति।
अभी मैं चर्चा करूँगा क्या महत्व है और फिर एक एक बिंदुवार आपको बुक में जो है उन्हें समझाता हुआ चलूँगा। सदन जो है ये दो हैं, एक तो उच्च सदन राज्यसभा, एक कहलाता है निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं, इसे कहते हैं लोअर हाउस और इसे कहते हैं उच्च सदन या अपर हाउस। इसी को सदन को हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो तीन एग्जामों के अंदर जिसमें कांस्टेबल और पीसीएस शामिल है उनमें पूछा गया था। बाकी और कोई विकल्प आएगा तो वो अभिन्न अंक के अंतर्गत नहीं शामिल होगा। अब हमने ये जो संसदीय प्रणाली है भारत की, इस संसदीय प्रणाली की विशेषता हमने पहले भी पढ़ी थी, उसको मैं दोहरा देता हूँ। ये प्रणाली वो होती है जिसमें वास्तविक अधिकार तो उसके पास में होते हैं जिसे जनता चुनती है, और जनता किसे चुनती है, हमारे यहाँ सांसदों को। ये लोकसभा के जो सांसद हैं और राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्हें दोनों को सदस्यों को कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या हिंदी में दोनों का कहा जाता है सांसद। हालांकि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव हर 5 वर्ष में आम जनता के द्वारा किया जाता है जिनकी भी वोट बनी हुई है, और राज्यसभा में जनता चुनाव नहीं करती, जिन्हें हमने चुना है यानी कि हमने चुना है राज्यों में विधायकों को या MLA को, वो मिलकर चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। तो इस मायने के अंदर हम कहें देखें तो वास्तविक रूप में जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसका आईना या उसका जो मिरर है वो किसे कह सकते हैं, लोकसभा में। इसीलिए देश के अंदर सरकार बनाने के लिए एक बहुमत चाहिए होता है, वो बहुमत या मेजोरिटी जो है लोकसभा की संख्या पर ही निर्भर करता है। यानी कि जैसे लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव होता है तो सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिए कम से कम 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसा जिस पर समर्थन होगा वो संसद के वो सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से सदन के अंदर जो ज़्यादा महत्व है वो किसे दिया गया है, लोकसभा को। फिर चर्चा करेंगे, उससे पहले बिंदुवार देखते हैं भारत का मॉडल किस पर निर्भर है, अंग्रेजों पर। और अंग्रेजों की जो संसद है उसकी बैठक होती है उनके एक महल में, उस महल का नाम है वेस्टमिंस्टर। तो इसीलिए भारत की संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल आधारित कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, SSC के एग्जाम में पूछा गया कि भारत का मॉडल कौन से प्रकार का कहलाता है। दूसरा पॉइंट हो गया, और किस मामले में अंग्रेजों से हम अलग हैं। हमने कहा अंग्रेजों से या ब्रिटेन से हमने मॉडल लिया, एक मामले में अलग है हमारा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर संसद की यदि हम बात करें और महारानी की बात करें तो महारानी को ज़्यादा अधिकार है संसद की तुलना में। यानी कि वहाँ पर जो संसद है वो संसद जो है वो सार्वभौम, वो अंतिम निर्णय लेने वाली है। राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो वहाँ की जो महारानी की स्थिति है उसने अगर किसी चीज पर हस्ताक्षर कर दिया तो वो अंतिम है। यानी कि वहां संसद जो है जो निर्णय लेगी और महारानी के हस्ताक्षर होंगे तो वो अंतिम निर्णय होगा, उसे वहां के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ब्रिटेन के अंदर जो संसद है वो क्या है, सार्वभौमिक, यानी कि इसका निर्णय जो है वो यूनिवर्सल होगा, या हम कह सकते हैं ये सार्वभौमिक को हम कह सकते हैं सोवरन इंग्लिश में। यानी कि इसका जो निर्णय होगा अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसके विपरीत भारत में क्या है, भारत में संविधान संसद से सर्वोपरि है। तो ये इम्पोर्टेंट बदलाव है कि हमने संसद को, और संसद सर्वोपरि है इसका मतलब क्या है, संविधान सर्वोपरि है इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट की ना होकर किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की। उसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कानून जो संसद में बनेगा उसे हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमारे यहाँ संविधान का अभिभावक माना गया है। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं एक चार्ट में ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर संसद की तुलना में कौन सा, किसको ज्यादा ऊंचा स्थान दिया गया है, संविधान को, और संविधान का अभिभावक कौन है, यानी कि गार्जियन, संविधान का जो गार्जियन है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट।
तो एक प्रकार से संसद का जो निर्णय होगा उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और ये अधिकार क्या कहलाता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो व्याख्या करता है संसद के बनाए कानून की, तो उसे आपने जब पढ़ा था, तो जब मैंने आपको विभिन्न स्रोत पढ़ाए थे कि कौन कौन से देशों से हमने किस किस चीज़ों को ग्रहण किया है, तो उसमें एक वर्ड आया था न्यायिक समीक्षा। अमेरिका से हमने लिया है न्यायिक समीक्षा, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। यही वो ताकत है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। इसी ताकत के अंतर्गत संविधान हमारे यहाँ संसद के ऊपर स्थान रखता है। तो पहले बिंदु के अंदर यही पॉइंट दे दिया, और फिर ये पॉइंट दे दिया कि भारतीय संविधान, भारतीय जो संसद है उसके अंतर्गत एक संतुलन स्थापित किया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कार्यपालिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और लेजिस्लेटिव पावर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, कौन कौन से? लोकतंत्र के चार स्तंभ में एक तो आ जाती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव या सरकार, जिसमें मंत्री आ जाएंगे और जो भी सरकार का निर्णय लेने वाले हैं। और दूसरा कहलाती है विधायिका। मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा मैं इसको दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद हो। विधायिका का मतलब हो गया लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर क्या होगी? जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, और इसके अंदर हम किसको कह सकते हैं? सरकार को। और तीसरा हिस्सा हो गया जिसको कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका या जुडिशरी का काम है कि ये देखे कि जो कानून बनाए गए हैं उन कानून के अनुसार सरकार काम कर रही है। और चौथा हिस्सा जो है वो कहा जाता है प्रेस, जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में मीडिया। ये चार अभिन्न अंग होते हैं। तो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है इन चारों का संतुलन बने रहे। ये चार क्यों बनाए गए? ताकि एक दूसरे को तानाशाह बनने से या मनमानी करने से रोका जा सके। यदि सरकार मनमानी करना चाहे तो संसद के अंदर उसे कानून बनाने में समस्या आ सकती है, विरोध हो सकता है। और यदि इन दोनों ने मिलीभगत करके कोई कानून भी बना लिया तो न्यायपालिका उसे निरस्त भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि नोटबंदी के फैसले को भी किस में चुनौती दी गई? न्यायपालिका में चुनौती दी गई। तो एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस, यानी कि एक दूसरे को संतुलित करने के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है चारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हों, स्पष्ट हो और एक दूसरे पर वो निगाह रख सके। यही ब्रिटिश मॉडल पे था, जिसमें कार्यपालिका और इसके काम को ज़्यादा से ज़्यादा या दोनों को जुड़कर, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। फिर हो गया भारत की जो संसद है वो द्विसदनीय है। ये पॉइंट जो है, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग देश से लिया गया है, तो उसके अंतर्गत ये वर्ड आया था जिसे कहते हैं द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरल या द्विसदनीय, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। द्विसदनीय का मतलब हो गया हमारे यहाँ राज्यसभा भी है एवं हमारे यहाँ लोकसभा भी है, इसी को द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। यानी कि सरकार की मनमानी को और भी ज़्यादा नियंत्रित करने पर ये उच्च सदन का गठन किया गया। हालांकि यदि हम वास्तविक अधिकार की बात करें तो हम पाते हैं ज़्यादातर अधिकार लोकसभा के पास है। क्यों? क्योंकि इसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग के द्वारा इसके मेंबर चुने जाते हैं, इसीलिए शक्ति का जो संतुलन है वो इसके पक्ष में झुका हुआ है, ना कि राज्यसभा के पक्ष में। फिर अगला पॉइंट दे दिया संसद की भूमिका के बारे में। अब तो हमने पढ़ा कि संसद का चेहरा कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो हमने देखा, या संरचना कैसी है। अब हम कहें संसद की भूमिका, क्या महत्व है संसद का? भाई जैसे पंचायत होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो पंचायत क्या विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है। तो सरकार की जो जवाबदेही है वो किसके द्वारा तय होती है? संसद में। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो आप मीडिया के अंदर, प्रेस में पढ़ते होंगे कि विपक्षी दल जो है वो मीटिंग बुलाते हैं,
वो भी कहते हैं कि सरकार को इन मुद्दों के ऊपर हमें घेरना है, सरकार से जवाब मांगने हैं। तो जब भी संसद की कार्रवाई होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के सामने अपना पक्ष रखे, और पक्ष रखने के लिए जो मंच है वही संसद कहलाता है। और जैसे आपने देखा हो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार चुने गए तो सांसद बने, तो उन्होंने जब संसद के भवन में प्रवेश करा तो उससे पहले उन्होंने उस पेड़ियो का नमन किया, उन सीढ़ियों का नमन करा। क्यों? क्योंकि जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है। तो जैसे एक मंदिर का गरिमा में स्थान है हमारे लिए, उसी प्रकार से लोकतंत्र में संसद भी मंदिर तुल्य ही माना जाता है। ये पॉइंट दे दिया। इसके बाद अगला पॉइंट हो गया कि कानून बनाने के लिए, देखिए देश के अंदर जो कानून बनता है वो उसको तीन चरण से गुजरना पड़ता है। उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इसकी वोटिंग या मतदान के द्वारा जब इसे पारित किया जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा, या वैसे भी हो सकता है राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राज्य, कोई भी हो, दोनों में अलग अलग प्रस्तुत होगा, सहमति होगी और उसके बाद भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो वह कानून बनेगा। और जैसे मैंने आपको बताया इनके सदस्यों को क्या कहते हैं, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का, दोनों को MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दे दिया एक पॉइंट और मैंने दे दिया जो साइड के बॉक्स में दे रखा है, SSC का क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है बॉक्स के अंदर। तो ये इस रूप में दे रखा है कि भारत के अंदर जो संसद है वो पहली बार गठित थी 1952 में। हम गणतंत्र यानी कि हम रिपब्लिक बन गए कौन सी तारीख को, 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो 1950 से लेकर 1952 तक तो देश के अंदर संसद के रूप में किसने काम किया, वही संविधान सभा थी जिसको अंतरिम संसद का दर्जा दे दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर और अप्रैल 1952 तक, जब तक हमारे यहाँ पहली संसद का गठन नहीं हुआ तब तक हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये अंतरिम संसद, अंतिम संसद का मतलब है इंटीरियम पार्लियामेंट के रूप में काम संभाला। इसके अलावा लोकसभा के अंदर सही मायनों में सरकार किसके प्रति जिम्मेदार है, कहाँ उसे हमेशा जोर अजमाइश करनी है, कहाँ का गणित उसे हमेशा ठीक रखना है, उसे हमेशा गणित ठीक रखना है लोकसभा में, क्योंकि सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए। राज्यसभा में बहुमत यदि नहीं भी है तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसी के अंदर बहुमत होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत प्राप्त ना करे, अगर कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं करती, जैसे 2014 में से पहले भारत में 1985 में आखिरी बार 1985 या 84 में चुनाव हुए थे, उसमें आखिरी बार स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुमत प्राप्त किया था, उसके बाद से लेकर 2014 तक भारत में किसी भी पार्टी ने अपने दम पर 272 बहुमत के लिए लोकसभा में 272 सीटों पर जीतना जरूरी है। यदि कोई पार्टी 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाती तो अन्य सहयोगी दलों के साथ में मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करती है, इसको कहते हैं गठबंधन सरकार, जो आज हमारे यहाँ अगस्त 2020 में चल रही है महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार। तो उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर जो है वो बहुमत को बनाते हैं, तो यही बहुमत कहलाता है। और इसके प्राप्त न होने पर किसी गठबंधन या राजनीतिक दल को जब यह प्राप्त नहीं होता तो वो अन्य दलों की मदद से सरकार बनाती है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके अलावा लोकसभा के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वही सदन का नेता होता है, क्योंकि देश के हमारे यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली है उसमें सबसे ताकतवर स्थान जो है वो प्रधानमंत्री को ही है। तो प्रधानमंत्री जो चुना जाता है वही सदन में लोग सदन का नेता कहलाता है, सदन का नेता या लीडर ऑफ द हाउस उसको कहते हैं जिसकी सरकार हो। तो आमतौर पर तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2014 से 10 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय वो राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने कभी भी
जनता के बीच में जाकर वोट नहीं मांगी और ना ही कभी उन्होंने चुनाव लड़ा। वो तो राज्यसभा से यानी कि एक पीछे के दरवाजे से सांसद बनते थे और इस कारण से उनके समय पर प्रधानमंत्री सदन का नेता नहीं था। उस समय पर प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति बने वो भी सदन का नेता बने, शिवराज पाटिल जो गृहमंत्री थे उन्हें भी सदन का नेता बनाया गया। अन्यथा आमतौर पर प्रधानमंत्री वही होता है जिसे जनता चुनती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती, तो इसीलिए आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन का नेता कहलाता। इसके बाद अगला पॉइंट दे दिया, गठबंधन की सरकार भी बता दी गई। अब ये पॉइंट दिया, ध्यान दे करके दे रखा है, जिसके अंदर ये बताया गया कि भारतीय संसद का जो कानून है वो देश में और भारतीय कहीं पर भी है सबके ऊपर ये कानून लागू होता है। और एक पॉइंट और लास्ट, ये UPSI में पूछा गया, ध्यान रखे करके दे रखा है, उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। और एक दे रखा है इसके अंदर आखिरी पॉइंट कि जब भी संसद की पहली बैठक शुरू होती है, देखिए ये जो संसद है हमारी राज्यसभा और लोकसभा, इसके सदस्य 12 महीने दिल्ली में बैठक नहीं करते, ये 3 सत्र में बैठक होती है, 3 सेशन में। और साल की जो शुरुआत होती है उसे कहते हैं बजट सत्र या बजट सेशन। तो जब भी साल की शुरुआत होगी संसद की, उसको हमेशा संबोधित या एड्रेस करता है देश का राष्ट्रपति, उसके साथ ही साल के पहले सत्र की शुरुआत होती है। ये पॉइंट दे रखा है। इसके बाद दे रखा है संसद के कार्य। संसद के काम क्या है? पहला काम तो है विधि निर्माण, कानून बनाने का जो काम है, ये विधि का मतलब हो गया लॉ बनाने का काम। तो देश के अंदर जो भी कानून बनता है, चाहे GST देश के अंदर लागू करना हो जिसे कहते हैं वस्तु और सेवा कर, या अन्य कोई भी निर्णय लेना हो, उसके लिए संसद में कानून बनना जरूरी है। वही विधि निर्माण या लॉ मेकिंग एक काम होगा, उसके लिए जरूरी है दोनों सदन जो है। विधि निर्माण के लिए क्या जरूरी है? दोनों सदन की सहमति और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर, तब जाकर देश में कानून बनता है। एक पॉइंट दे दिया, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका किसे कहते हैं? मैंने कई बार बताया सरकार को। सरकार की मनमानी को कौन रोक सकती है? संसद। क्योंकि कोई भी कानून अगर बनाना है सरकार को तो सहमति किसकी लेनी होगी? लोकसभा और राज्यसभा। तो एक तरीके से अंकुश लगाते हैं। और आखिरी बिंदु है वित्त पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ओवर फाइनेंस। अगर भारत सरकार को खर्चा करने के लिए पैसे की जरूरत है तो उसके लिए संसद में धन विधेयक, लोकसभा और राज्यसभा में मनी बिल लाना पड़ेगा। जब वो धन विधेयक को पारित कर दिया जाएगा तब जाकर सरकार को पैसे मिलेंगे। तो टैक्स लगाना हो, घटाना हो, नया कर लाना हो, सारी चीजों के लिए मंजूरी संसद की चाहिए।